तो भाई अब हम जा रहे हैं, एक दोस्त को पिक करना है और उसको लेंगे। तो भाई अब हम जा रहे हैं इस वक्त फिलहाल, पहले जाएंगे किया के शोरूम पे और वहाँ पर अगर हमें वीडियो बनानी हुई तो बनाएंगे, वरना इसके अलावा हमारे पास एक और मोटर है, हम वहाँ जाएंगे। वो मेरे साथ इस वक्त हैं ये सीनियर उज़ैर दरिया पबजी प्लेयर। अच्छा तो ये मत सोचना मुँह पे मेकअप वेकअप करा हुआ है, सामने सिर्फ ब्रश है और सारी उस मैं किया मोटर्स खालिद बिन वलीद रोड पे। तो हम यहाँ पर बेसिकली किया स्पोर्टेज और पिकांटो को देखेंगे कि इसमें क्या ऑप्शंस हैं और क्या फर्क डिफरेंसेस हैं दोनों में। और किया का ये बहुत अच्छा हुआ है कि पाकिस्तान में किया आ चुकी है, काफ़ी टाइम हो गया उनको, काफ़ी हर चीज़ में लेट होते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे 4x4 किया से स्पोर्टेज। हाथ में चाबी है किया स्पोर्टेज 4x2 की। ये अभी हम इसको ऑन करके चेक करते हैं इसके अंदर क्या फीचर्स हैं। बैठना पड़ेगा तो ज़्यादा अच्छे शश के आएंगे और कुछ भी नहीं। ये इसका ड्राइविंग साइड्स का हुआ है और इस वक्त हम बना 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 करके यहाँ पर पहुँच गए। इसमें ये इसके ऑप्शन हैं। अच्छा तो इसमें सारे ऑप्शन थे, इसका सबसे मेन चीज़ इसका इंटीरियर बहुत क्लासिक है, लेकिन मुझे इसके अंदर अभी गियर शिफ्टर जो है वो इतना मजे का नहीं लगा जितनी इस कॉस्ट है गाड़ी की। और बैक स्पेस में इसका क्या सीन है भाई, बैक में ये कि अगर हम इसमें बैठते हैं तो इसका बैक स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें लेग स्पेस जो है वो रखने की काफ़ी जगह है किया स्पोर्टेज 4x2 में। बेसिकली बात है कि अगर इसमें ये चीज़ 4x4 में भी होगी, और सबसे मज़े की सीन मैं आपको इसमें कोशिश करूँगा पूरा लूँ, ये इस गाड़ी का सबसे क्लास है। मतलब इतना बड़ा सनरूफ है, लेवल है जानी, चेक करो बस। ये इसका इतना बड़ा सनरूफ है और ये इस गाड़ी का पूरा फ्रंट व्यू है। तो एक बात हम कर रहे थे इसके लेग स्पेस की, तो इसके अंदर जो लेग स्पेस है वो बहुत अच्छा है। मर्सिडीज़ में जो E200 में E400 में जो होता है वही इसके अंदर लेग स्पेस में मज़ा है, इजीली बंदा बैठ सकता। अच्छा तो जी यार, मुझे इतना गाड़ियों के बारे में खैर नॉलेज तो अच्छी है, लेकिन अब हर गाड़ी के फीचर्स के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन जो पता है वो मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर आपको बैक पे भी एसी मिलेगा जो आपको अच्छी लग्जरी कार में मिलता है, और इसके अंदर एक अदद USB पोर्ट है जो आप मोबाइल की फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं, और ये कुछ 3 एम्पेयर अबव इसका वो है, और ये 12 एम्पेयर का वो भी है 12 पॉट का। तो ये भी इसके अंदर अच्छे सीन है। और इसकी जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी ना वो इस गाड़ी की
विंडो ओपन सिस्टम है। इसके अंदर एक ये डिफरेंस है जो 4x4 के, और इसमें कि इसके अंदर सीट्स जो हैं वो मैनुअल एडजस्ट है और उसके अंदर टोटली ऑटोमेटिक है। उसके अंदर सेंसर भी काफ़ी हैं फ्रंट पे, इसके अंदर आई थिंक सो इसके अंदर बैक सेंसर है और फ्रंट सेंसर इसके अंदर नहीं है, वो आप यहाँ पर। और बैक पे जो इस जो फुल ऑप्शन है उसके अंदर हमें बैक पे भी सेंसर्स मिलते हैं, बाकी इसके अंदर कोई इतना कोई खास। तो जी अभी हम जा रहे हैं टेस्ट ड्राइव पे और देखते हैं क्या हो रहा है। इंजन बड़ा अच्छा है, मगरब का वक्त हो गया। अच्छा यार, मैंने इससे पहले फॉर्चुनर भी बैठा, लेकिन इसकी मुझे जो सीन्स हैं वो फॉर्चुनर से ज़्यादा अच्छे लगे। ये गाड़ी मुझे फॉर्चुनर से थोड़ी कम्फर्टेबल लग रही थी और बेहतर थी, तो बेटा फॉर्चुनर की मैं बात कर रहा हूँ। अभी हम जा रहे हैं टेस्ट ड्राइव पे और देखते हैं कौन सी टेस्ट ड्राइव है। किस वाली गाड़ी पे जा रहे हैं? नहीं नहीं अभी हमें मेन स्पोर्टेज है, तो फिलहाल हम जा रहे हैं स्पोर्टेज में और उसकी टेस्ट ड्राइव करते हैं। लाइट सी ये गाड़ी के सीन्स हैं स्पोर्टेज एक्सप्रेस। गाड़ी में बैठ रहे हैं और गाड़ी की टेस्ट ड्राइव कब हुआ है। सो गाड़ी अगर हमारी उसके ऊपर हम आगे लेके जाना चाहें तो आगे ले जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम गाड़ी में बैठे हैं और उसके बाद अब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे। गाड़ी स्टार्ट, अच्छा गाड़ी ऑन ऑफ में है। और गाड़ी स्टार्ट में एक चीज़ मैंने नोट करी, विंडोज ऑन होती है ना वैसा साउंड आता है इस गाड़ी के अंदर। खैर ये आगे मीटर है और डिजिटल मीटर तो नहीं है, डिजिटल मीटर की स्क्रीन है। और एसी की जो ग्रिल्स हैं वो गार्निश क्रोम वाली हैं। और क्या इसमें है यार, हाँ कि इसके अंदर क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन है, बाकी सारा यहाँ पर मैन्युअली अगर आप चाहें तो हैंडल के अंदर से भी ले सकते हो सारे। और क्लाइमेट कंट्रोल का भी एसी में ऑप्शन है, एसी का नहीं ऑप्शन। और इसकी सबसे मेन चीज़ जो है वो इसके सनरूफ के सीन्स हैं, तो हम सेट करेंगे पहले। हम किया मोटर्स पे पहुंच गए और फिलहाल अभी हम रिवर्स ले रहे हैं, कुछ गाड़ी के शॉट्स लेने हैं। लेट्स वाई ये इसका सनरूफ का हुआ है, इसको पुल करेंगे तो ये हाफ सनरूफ खुलेगा, डबल्स पे पूरा सनरूफ इसका ऑन हो जाएगा। लाइक ऐसे खोल दे, ये इसके सीन्स हैं। ये इतना बड़ा सनरूफ, क्या इसके शिशके हैं, क्या इसका लुक है, इतना बड़ा सनरूफ। हाय हाय, सनरूफ को भी ऑन कर देंगे। ये सनरूफ और इससे पीछे का ऑप्शन नहीं है, बस इतना ही फ्री करवाया फिलहाल। अगली जो जनरेशन आएगी उसमें ये पूरी डिग्री तक ले जाएंगे इसको। और अब हम इसके बाहर से अगर आप चाहें तो यहाँ खड़े रह के ये यहाँ पर नेट भी लगी हुई था। क्या मेन चीज़ के अंदर मुझे अच्छी लगी, इसका इंटीरियर के ऊपर ये जो है ये भी लेदर टाइप का लेदर ही है। और बाकी एसी की जो ग्रिल्स हैं वो टोटली क्रोम है, जो हमें होंडा सिविक में भी देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा इसके अंदर आपने ये सन शेड, अच्छा तो जी इस गाड़ी के अंदर पार्किंग पर अगर आपको लगानी है तो आपको ये बटन को यहीं पर देना है, तो डायरेक्टली आपकी गाड़ी पार्किंग पर आ जाएगी। इसके अलावा ऑटो होल्ड का ऑप्शन है, ये मुझे नहीं पता ऑटो होल्ड क्या है। इसके अलावा ये भी मुझे, हाँ ये पार्किंग का, पार्किंग से गाड़ी हट गई। इसके अलावा ये आपका 4x4 का ऑप्शन है, अगर आप वो कर रहे हैं ऑफ रोडिंग, ये इसी तरह से ये ढलान पर अगर आप गाड़ी उतार रहे हैं
कि इसका ऑप्शन है और मोड ड्राइव में होंगे ड्राइविंग का ऑप्शन, अपने को सिर्फ क्या पता है, क्या पता अपन को आवाम क्या बोलती है। आवाम बोलती है कि ये गाड़ी करी, आवाम बोलती है गाड़ी भाई पार्किंग पे करी, गाड़ी को ठगा ठग नीचे लेके आए डी पे और गाड़ी चला देने के आगे। अब ये सीन है कि यहाँ से हमने आगे एक अदद कैमरा सेट किया है, वो दिख रहा होगा, हम ये बैठे गाड़ी के अंदर और यहाँ हमने बात करी थी मूड का ऑप्शन की, तो खैर मूड का हमें नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि ये लिया ठक 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 गाड़ी डी पे आ गई और अब गाड़ी चलाने के मंजन ये हैं कि नीचे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मेरा मोबाइल पड़ा है ऑटो पार्किंग ऑप्शन है और ये मैंने गाड़ी रोकी नहीं है, खुद ब्रेक लग गया। ये साउंड सुन सकते हैं इस गाड़ी के अंदर, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो आपको एक अच्छी लग्जरी कार के अंदर मिलता है। कार जाने का वक्त हो गया कैब के लिए, ये जो मैंने कहा था ना विंडोज़ का ऑप्शन, वो ये विंडोज़ का ऑप्शन की मैं बात कर रहा था। अच्छा तो जी यार ये मैंने आपको पहले बताया था, मैं इसके ऊपर वो कर रहा था, इसका मैंने इंटीरियर और सब चीज़ें दिखाई थी, इसके अंदर फैब्रिक सीट्स थी लेकिन हमने चलाई कौन सी है, वो थी 4x4। जो 4x4 है उसमें सेंसर्स का काफ़ी अच्छा सिस्टम है, उसके बाद उसके अंदर ड्राइविंग का बहुत अच्छा वो है। तो भाई आज के जो ब्लॉग था वो कंप्लीट हो चुका है और हम घर जाने की तैयारी में, अब हम यहाँ से जाएंगे घर पे और जो काम होंगे रास्ते में वो करेंगे, दूरा जी जाएंगे और इस तरह से यहाँ का जो सीन था किया कि सारी स्पेसिफिकेशन जो है वो हमने आपको बताई है, ठीक है। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ऐसा नहीं सोचना कि हमने किया के बारे में इतने जो पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं वो गाड़ी के लिए हमने मतलब किए, वो हमें अच्छा लगा हमने यहाँ पर आए, लेकिन हमारी ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। लोगों के दिमाग में ख्याल आता है भाई इतनी प्रमोशन कर रहे हैं इस तरह से, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़। व्लॉग का आखिरी सीन ये है कि मेरी क्या वालों से रिक्वेस्ट है कि वो मुझे अपनी गाड़ी दें ताकि हम उसके ऊपर एक कम्प्लीट टेस्ट ड्राइव का भी रिव्यू करा सकें अच्छे से। थैंक यू।